हेलो गाइस, आज मैं आपको पाव भाजी स्टाइल में भाजी दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और ये सब्जी जो है रोटी पराठे के साथ भी बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। तो उसके लिए देखिए, मैंने सारी सब्जियाँ काट ली हैं। ये कुछ टमाटर मैंने छोटे छोटे वाले टमाटर थे, तो कम से कम 4-5 टमाटर काट लिए हैं। थोड़ी सी ब्रोकली, थोड़ी सी फूल गोभी, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी ये फ्रेंच बीन्स थी मेरे पास, वो काट ली है मैंने। और ये मेरे पास थोड़ी सी पालक थी, ये भी मैंने, ये देखिए, पानी में डाल दी है। और अब हम ये सारी चीज़ें प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब गाइस, ये देखिए, ये मैंने कुकर जो है ये ले लिया है, और हम कुकर में बनाएंगे ताकि हमारी सब्जी मिनटों में बन के जो है तैयार हो जाए। तो इसके लिए जो भी मैंने सब्जियां काट के रखी थी, वो सब सब्जियां हम पहले तो इसमें डाल देंगे। और ये जो हमने पालक धो के रखी हुई थी, ये पालक भी हम जो है इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। सो गाइस, ये देखिए, अब मैंने सब्जियां सारी इसमें डाल दी हैं। और इसमें हम ये थोड़ा सा जो है पानी भी डाल देंगे। और अब हम इसमें, ये देखिए, मैंने ये कुकर के ढक्कन में सीटी और रबड़ दोनों चीज लगा दी हैं। और अब हम इसमें बस 2 से 3 सीटी ले लेंगे। सो गाइस, ये देखिए, ये कुकर मेरा ठंडा हो गया है और ये सब्जियाँ भी अच्छी के तरीके से सीज गई हैं। अब इस स्टेज पे हम इसे मसाले डालना शुरू करते हैं। और आपको जैसा कि मैंने दिखाया कि मैंने इसमें बिल्कुल भी घी या तेल कुछ भी यूज़ नहीं किया है, जस्ट ये उबली सब्जियाँ हैं, तो मैं इसी फॉर्म में इसको रख रही हूँ। और ये 1/2 चम्मच के करीब काला नमक डाला है मैंने, और ये थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाला है। आप अपनी इच्छानुसार सफ़ेद नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए। और ये लगभग 1/2 चम्मच के करीब मैंने हल्दी डाली है, और ये 1/2 चम्मच के करीब ही मैंने धनिया पाउडर डाला है, और ये लगभग 2 से 3 चुटकी मैंने हींग डाली है, और ये 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। और अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मेरे पास ये भाजी क्रशर है, इससे हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि बहुत अच्छे से सारे मसाले इसमें मिल जाएं और ये बिल्कुल जैसे पाव भाजी वाली भाजी होती है उस फॉर्म में आ जाए। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गई है। और ये थोड़ी ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। और ये थोड़ी थोड़ी सब्जियां इसमें साबुत सी भी रहने देना है, क्योंकि एकदम ये अगर हम बिल्कुल हलवा नुमा कर देंगे तो उसमें भी मज़ा नहीं आता है। और ये मैंने लेमन जूस निकाल के रखा था, तो हम ये लेमन जूस डाल देंगे इसमें। और वापस से हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए, हमारी सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है। और मैं इसके साथ रोटी बनाऊंगी, और रोटी पराठे या इवन चावल का कॉम्बिनेशन भी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। कोई ज़रूरी नहीं है आप पाव या ब्रेड से ही खाएं। अब मैं आपको अपनी प्लेट सर्व करके दिखाती हूँ। सो गाइस, देखिए, रोटी के साथ ये सब्जी सर्व की है, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।